जी भाई बोलिए। अभी ये आपके हवाले से पोस्ट आई थी व्हाट्सएप के ऊपर, क्या लिखा था पोस्ट पे? वो अब्दुल रशीद साहब के हवाले से पोस्ट थी जिसमें आपका नंबर था, तो हमने कहा रब्ता करें आपसे। असल में वो पोस्ट फेक है, किसी ने मेरे नाम से बना ली है। अच्छा अच्छा। और मेरी पोस्ट नहीं है, जिसके रद्द में मैंने एक इमेज निकाली थी सुबह, पर ज़्यादा शेयर नहीं किया, खाली स्टेटस पे रख लिया था। अच्छा 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 अच्छा। तो ये अब्दुल वसी साहब की फोटो वाली इमेजेस वगैरह आपने बनाई थी क्या? जी हाँ, वो इमेजेस मैंने बनाई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपने इजाज़त ली थी फोटो के सही हिसाब से? नहीं, इजाज़त नहीं लिया था, वो अब्दुल कादिर ने मजबूर कर दिया था मुझे, इसलिए मैंने बनाया था। जी गलत है बिल्कुल। असल में मामला क्या था, वहाँ से उलमा की गुस्ताखी हो रही थी, और उलमा को फासिक कहा जा रहा था, लानती कहा जा रहा था। अच्छा। इस तरह के मामला तो आपने देखा होगा, आला हजरत के सिपाही के मामला क्या चल रहे थे बीच में। हाँ, तो उस पर उसने मतलब उलमा को फासिक लिखा, तो मैंने कहा तुम जिसके लिए काम कर रहे हो वो तो वीडियोग्राफी कर रहे हैं, उनके सामने कैमरा रखा था मक्का शरीफ में। शाह साहब के साथ अब्दुल वसी साहब के लिए काम कर रहा है? नहीं, तो ये भी किसी ने नहीं कहा ना कि वो अब्दुल वसी साहब के लिए नहीं काम कर रहा है, तो बल्कि नाम लेके कह रहे हैं कि मैं सही साहब की मोहब्बत में कर रहा हूँ, भाई मेरे लिए काम कर रहा है। नहीं, तो वो जो बंदा कर रहा है वो तो कह रहा है ना, कहा उसने मतलब समझे कि मैं नहीं, वो तो अब्दुल वसी साहब का ही नाम लेके कर रहा है ना सारा कुछ काम। अब्दुल वसी साहब का नाम ले रहा है वो, मगर अब्दुल वसी साहब ने उसको थोड़ी कहा है काम करने के लिए, तो उससे बेजारी का ऐलान कर देना भाई, 10 सेकंड की क्लिप वायरल कर दें कि भैया इस धंधे से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। तो आपने रफीक रजा की इजाजत ली है कि रफीक रजा में ये काम कर रहा हूँ? नहीं, मैं क्योंकि मैं किसी की गुस्ताखी नहीं कर रहा हूँ ना, तो मुझे इजाजत देने की जरूरत नहीं है। आप रफीक रजा की तरफदारी कर रहे हैं तो आपने इजाजत ली है रफीक रजा? नहीं, मैं किसी की तरफ मैं तरफदारी किसी की नहीं कर रहा हूँ। आप आलिम हो के मुफ्ती हो क्या, बताइए? मैं कुछ नहीं हूँ, आप बताइए आप क्या हैं। तो आप जो सवाल कर रहे हैं कि ये उलमा के ऊपर हुक्म लगाया, तो क्या उलमा को नजर नहीं आ रहा है? नजर आ रहा है ना उलमा को, उलमा हुक्म देंगे ना, मुझे टक्की के लोगों को, ऐसे 2% के लोगों को ना उलमा मुंह नहीं लगाते। अच्छा, वो 2% के, आप कितने टके के हैं? नहीं, वो तो 2% का है, क्योंकि जो उलमा की गुस्ताखी करे वो 2% का ही है। आप कितने टके के हो इस बात से, आप हुक्म लगा दिया आपने, क्या सूफी कदीम रजवी साहब को ये नजर नहीं आ रहा कि ये मेरे खिलाफ पोस्ट आ रही है? क्या मुफ्ती नहीं, हजरत तक ये बात पहुंच, नहीं हजरत वो लोग इतने बड़े आलिम, उनके पास इतना वक्त नहीं है कि वो सोशल मीडिया पर ऐसे बच्चों को जवाब देते फिरे। आप फालतू में वक्त वक्त जवाब अब जैसा आप समझ ले, अब आप लोग तो भैया बड़े लोग हैं, आप जैसा समझ लें। अच्छा, अब आप लोगों के खिलाफ बोला जाए तो गुस्ताखी हो जाती है, सवाल पूछ लिया जाए तो गुस्ताखी हो जाती है। हमारे खिलाफ हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो इतना मालूम है कि हाथी चले बाजार तो कुत्ते मौके हजार, समझ रहे हैं? हाँ, यही मामला हुआ है, तभी तो रफीक रजा कादरी पर आजकल मामला चल रहे हैं। जवाब दे, उन्होंने क्यों जवाब देंगे, दावा आपका है, दलील आप दो ना भाई, कि उसने गुस्ताखी की है, उसने वीडियो वायरल की है। अच्छा अच्छा अच्छा। दावा किसके जिम्मे हो, मुझे बताइए उनका क्या दावा कर रहे हैं? वो तो दावा कर रहे हैं कि रफीक रजा साहब को ले आइए सामने, जवाब दीजिए, वो इतने इमेजेस डाल रहे हैं, वो इतने उनके मैसेजेस। भैया वायरल सुनिए सुनिए, अच्छा आप जिस बंदे की हिमायत कर रहे हैं, आप पहले बता दीजिए आप सिपाही की हिमायत करके मुझसे बात कर रहे हैं या फिर साहब की हिमायत कर रहे हैं? हम अब्दुल वसी साहब की हिमायत कर रहे हैं। हाँ, तो मतलब आप सिपाही की बात ही मत करिए फिर, अगर आप अब्दुल वसी साहब की हिमायत कर रहे हैं तो हम अब्दुल वसी साहब पर ही बात कर लेते हैं। आप जो है इमेजेस पे सैयद साहब का नाम डाल रहे हैं, सैयद साहब का सिपाही, सैयद साहब का सिपाही, सबसे पहली बात आपने सैयद साहब की तरफ ये बहुतान लगाया है। कोई बहुतान नहीं है, सैयद साहब क्लियर नहीं करेंगे तो ये तो बोला ही जाएगा। सैयद साहब क्लियर क्यों करेंगे, वो हालत का सिपाही, उनका ही नाम ले रहा है भाई, उनका नाम ले रहा है, सैयद साहब का नाम ले रहा है, तो उसका मतलब हाँ, तो भाई मेरा नाम लेकर अगर मार्केट में कुछ चलाया जाएगा, समझो सुबह एक इमेज चलाएगी मेरा नाम लेकर, कहाँ है उनको लाइए ना, उनसे बात करवाइए ना, आप लोग लाएंगे ना, आप मार्केट चलिए ना भाई, आप मार्केट चलने को तैयार ही नहीं है, तो लाइए मरकज के, बताइए कब चलना है भाई, डेट के मुद्दे ही लेगा ना भाई, हमको तो अपने मुजरिम ठहरा दिया है, बताइए भाई मुद्दे ही डेट लेता है, आपको शराइत ही नहीं पता है, आपको कुछ पता ही नहीं है, आप किससे पूछ रहे हैं, आप आलिम है कि नहीं है? आपको पता है शराइत क्या होते हैं, काजी की बारगाह में मुद्दे ही हाजिर होता है, मुकदमा दायर करता है। सबसे पहले मैं आईने में देखकर खुद आप फैसला कर लीजिए कि आप कर क्या रहे हैं। जी जी, मैंने फैसला कर लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ मैं, अगर किसी को इससे तकलीफ है, तकलीफ किसी को नहीं है, आप जो काम कर रहे हैं ना किसी की हिमायत में,
तो ये याद नहीं, हिमायत तुम्हारे तो नहीं कर रहा, देखिए हम कट्टर रंगी हैं, हम कट्टर रंगी हैं, जिसकी हिमायत करते हैं नाम लेकर करते हैं, जिससे बगावत करते हैं नाम लेकर करते हैं, किसी का डर किसी का खौफ नहीं है भैया, बगावत कर लिया नाम लेकर, बिल्कुल नहीं नहीं बगावत में जो सवाल पूछ रहा हूँ मैं आपको सोशल मीडिया पर, नहीं नहीं बगावत होती तो मैं बगावत बोल रहा हूँ, मोहब्बत होती मोहब्बत है तभी तो कह रहा हूँ भैया, मर जाके बात करो बैठ के शर्म करो, ये मोहब्बत ही है, ये मोहब्बत जाहिर कर रहे हैं, बुक्स जाहिर कर रहे हैं, नहीं बुक्स तो तब होता ना जब उनके गलत कामों में भी उनको मैं बढ़ावा चढ़ावा देता, इतना तो और बढ़ाता, सैयद साहब के नाम की वो फोटो वायरल कर रहे हैं, वीडियो वायरल वो इमेज पे लगा कर रहे हैं, आपकी क्या सवाब का काम करे सैयद साहब के मोहब्बत का, नहीं मैं तो उनकी इस्लाह कर रहा हूँ भैया, सबसे तौबा कर लो, आखिरत में पकड़ होगी जी, बिल्कुल भाई, उम्मत मुहम्मदिया का हर फर्द इस्लाह के लिए ही पैदा हुआ है, दीन की तबलीग के लिए ही पैदा हुआ है ना, किसकी इस्लाह कर रहे थे आप जरा बताइए, हर उस शख्स की जो सोशल मीडिया पर ये नाच गाना मचा के रखे है ना, अच्छा अच्छा ये गलत वो सही, ये गलत वो सही, हर उस शख्स की इस्लाह हो रही है, आपकी इस्लाह कर रहे हैं जी, बिल्कुल की जाएगी, अच्छा 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 माशाल्लाह, ये सब चांद से आए क्या, जिनकी इस्लाह नहीं हो सकती, जी 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 जी, नहीं मतलब तो रफीक रजा चांद से आए हैं, नहीं उनकी भी इसलिए होगी भैया, उनकी गलती दिखाओ, आप तौबा कर लीजिए, जी 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 जी, तो लाइए ना रफीक रजा मैदान में, काहे को बिल में घुसा रहे हैं उनको, बिल में तो सही है साहब घुसे हुए हैं भैया, अच्छा 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 सर बिल में सही है साहब घुसे हुए हैं, रफीक से मेरी जब भी बात होती है, फोन कहाँ घुसाए, अरे तो सैयद साहब को बोलिए रफीक रजा कादरी का नाम लेकर सवाल कर देना, अच्छा देखो पिछली बार तो तौबा कर लीजिए सैयद साहब ने, 2019 में दूसरा सुनो, 2019 में भी आप इसी तरह से बवाल मचा के रखे थे, अरे बाबा वो थर्ड पर्सन है उसको जानते भी नहीं कोई, तो रफीक भाई का नाम लेके मशहूर हो रहा है, जिसने अच्छा आप उसको सिपाही कह रहे हैं, जो उलमा पर लानत भेजता है, हाँ उलमा को लानत देने वाले सिपाही है भैया, फिर अगर आप उसको सिपाही मानते हैं तो हम भी फिर समझ जाओ फिर आगे, अच्छा अच्छा बताइए बोल के दिखाइए, नहीं तो हम भी फिर रफीक की हिमायत में है भैया, हाँ हाँ करिए करिए, तुमको रफीक की हिमायत मुबारक हो, हमें आने तुमको तुमको सिपाही की मोहब्बत मुबारक हो, अलमा पे अभी तुमने सही साहब का तो नाम ही नहीं लिया था, अभी तो सिपाही की तायद कर रहे थे तुम, वो तो आपका बुग्ज जाहिर हो गया कि कितना बुग्ज आप रखते हैं सही भैया, हमको बुग्ज अब हमको कोई भी फतवा लगाओ, बुग्ज हसद कीना कुछ भी फतवा लगाओ, हमारा मुतालबा यही है, अगर सैयद साहब हक पर है उनका दावा सही है तो किसी भी बारगाह में वो बुलाए रफीक रजा कादरी को, बहुतान लगा रहे हैं साहब ने दावा दावा तो किया है भाई, उन्होंने अभी उन्होंने रिसेंटली एक बयान में कहा है कि वो गुलजार मिल्लत की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, अच्छा सुरे इखलास नहीं पढ़ना आता इस तरह से माजल्ला वो बातें चल रही थी गुलजार मिया की तरफ, आप लोगों को पता नहीं होता बस अकीदत में फोन कर देते हो जबरदस्ती, मतलब आप लोगों का काम वही है ना, घोड़े का चश्मा लगाओ आगे बढ़ो गधे का चश्मा लगाओ यही काम है, बिल्कुल हम ये तो सरकार गुलजारे मिल्लत भी यही फरमाते हैं, चलिए मुझे ताजी शरिया के अलावा किसी को नहीं मानते, आप जाहिर के असल में आप मोहब्बत वाले हैं कि बाकी वाले वही, मैं कब से कंफ्यूज था तो मैंने कहा चलो फोन करके पूछ लेते हैं, क्लियर हो गया ना, जी जी क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, हाँ माशाल्लाह बहुत जल्दी समझ गए, ठीक है अल्लाह।